ओके, सो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लक्ष्य। इधर देखो, लक्ष्य लक्ष्य हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वाटर। वाटर, वाटर का मेन प्राइमरी सोर्स क्या है? सोर्स मतलब पानी हम लोगों को कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा पानी हम लोगों को कहां से मिलता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इज नदी। वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, वो मेन सोर्स नहीं है। हाँ नदी है, नदी से हम लोग को पानी मिलता है, लेकिन प्राइमरी मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या क्या है? सबसे ज्यादा हम लोगों को एकदम पानी, नदी में भी पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है पानी? समुद्र में भी पानी कहाँ से मिलता है? कहाँ से आता है पानी? ऊपर से। ऊपर कहाँ से? झरना। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। क्या है? रेन। क्या है? रेन। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन। ये क्या है? रेन। ओके, ये रेन क्या होता है? फिर आता है, रेन ही रिवर बनाता है। रेन वाटर से ही क्या बनता है? रिवर बनता है। ठीक है, रेन वाटर से क्या बनता है? रिवर। रिवर में हम लोगों को हरदम पानी कहाँ से मिलता है? रेन से मिलता है। इसीलिए जो ये रेन वाला रिवर होता है वो विंटर के टाइम में थोड़ा घट जाता है, क्योंकि विंटर में बारिश नहीं होता है। ठीक है, और रेनी सीजन में देखो तो पूरा फुल हो जाता है रेनी सीजन। जैसे कि हम लोगों का ये महानदी, महानदी जो रिवर है वो भी है रेन वाटर से बना हुआ रिवर। ठीक है, उसके बाद में ये रिवर से क्या होता है? यहाँ पे ये क्या है? सन। सन क्या करता है? सन हम लोग को हीट देता है, लाइट तो देता ही है, हीट देता है। अब हम लोग जब पानी को बॉईल करते हैं, केटल में हम लोग जब टी बनाते हैं तो पानी को बॉईल करते हैं, तो केटल से क्या आता है? पानी से क्या निकलता है? वो बारिश की तरह लगता। ड्रॉपलेट्स बोल रहे हो? ड्रॉपलेट्स बाद में आएगा, अभी सबसे पहले क्या निकलता है? भाफ निकलता है। भाफ को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब सन क्या करता है, ये पानी को इतना गर्म कर लेता है कि यहाँ से क्या निकलने लगता है? वाटर वेपर। ये जो प्रोसेस है, जो ये वाटर वेपर ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इवापोरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन। तुम्हें पूछते सब तिम बुझ्दैछौ? पहिला पानी पर्छ, पानी परेर के बनिन्छ? रिवर बनिन्छ। त्यहाँबाट रिवर बनेपछि घामले के गर्छ? रिवरको पानीलाई गरम गर्छ। गरम गर्दाखेरि के निक्लिन्छ? भाफ निक्लिन्छ। निक्लिन्छ भाफ? पानी गरम भयो भने भाफ निक्लिन्छ, निक्लिन्छ। त्यसरी नै रिवर पनि गरम भयो भने भाफ निक्लिन्छ, अन्त उकालो जान्छ। त्यो भाफ कहाँ जान्छ? उकालो। ए, वाटर पेपर कहाँ पे जाएगा? अपवर्ड। वाटर पेपर कहाँ पे जाएगा? अपवर्ड, स्काई में। ठीक है, तो ये जब इवापोरेशन होके अप में जाता है, ऊपर जैसे जाएगा जाएगा, जैसे ऊपर ऊपर जाएगा, ये वाटर पेपर क्या होने लगता है? कूल होने लगता है, ठंडा। क्या हो जाता है? ठंडा। वो जो ठंडा होता है, उसके बाद में ठंडा होने से क्या बन जाता है? ये क्या है? क्लाउड्स। ये जो प्रोसेस है, जो ये इवापोरेशन वाला वाटर वेपर जो ठंडा होके क्लाउड बनता है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्लाउड बन गया। अब क्लाउड बन के वो क्या हो जाता है? जब जितना भारी हो जाता है, जब भारी हो जाता है तो फट जाता है और नीचे फिर से बारिश आ जाता है। ठीक है, इसके नीचे से फिर से डाउनवर्ड बारिश आ जाता है। तो ये जो बारिश होता है उसको बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन। तो ये एक क्या है? साइकिल है। ये क्या है? साइकिल। कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलता रहता है। नीचे आएगा पानी बनेगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा पानी बनेगा, ऊपर जाएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली। ओके, बारिश कैसे बनता है पता चला? जैसे कि अब ये क्लाउड कैसे बना? देखो, जब तुम लोगों ने पॉट में पानी पानी भरा, उसको उबाला, तुम लोगों ने उबालने के बाद में क्या हुआ? उसको ढक्कन लगा दिया, भाप निकल रहा था, ढक्कन लगा दिया,
गैस को ऑफ कर दो, वैसे ही छोड़ दो, थोड़ी देर बाद में जाना, जब वो कूल डाउन हो जाएगा ढक्कन को खोलो, ढक्कन में क्या आएगा, ड्रॉपलेट्स मिलेगा तुम लोगों को, क्या मिलेगा, ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स से हम लोगों का कूल डाउन होने के बाद में जो प्रिसिपिटेशन हुआ, रेनफॉल हुआ, वो है। समझ में आया, समझ में आया। पहले हम लोगों ने क्या किया, पानी को केटल में रखा, फिर उसको स्टॉप दे के उसको हीट दिया उसको, फिर वो जब जलने मतलब बॉईल होने लगा तब उससे वाटर वेपर आया, फिर उसमें ढक्कन दिया उसको, थोड़ा सा हम लोगों ने ठंडा कर दिया, उसके बाद में हो जाएगा रेनफॉल अगेन। ठीक है, तो वो है हम लोग का एक एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आया वाटर साइकिल सबको, सबको तुमको समझ में आया? हाँ समझा, वो ना कि समझाएगा। आजा आजा। यस कम 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 हर्ष, जो समझ में आया वो बोल, डरने की जरूरत नहीं। कम हर्ष कम, शो अस द वाटर साइकिल। हम लोग का मैप भी दिखाएंगे, गो शो अस द वाटर साइकिल। छोटा सा बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमर कमर करो करो। डू इट। मैंने अभी क्या करा है, क्या सब सिखाया है तुमको, वैसे ही समझा है ऐसे। फिर क्या होता है, हाँ तो देखो बनाओ, नहीं बनाओ अपने हाइट के हिसाब से, डॉट 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 करो, हो गया तो रेन। हाँ रेन हो गया, फिर उसके बाद में रेन से क्या बनता है, वेरी गुड। राउंड अप रिवर बनता है, उसके बाद में सन, सन उसको सन तो कैसे होता है, हाँ तो कैसे सन क्या करता है, सन उसको हीट दे जाए, फिर वो क्या वाटर पेपर, उसके बाद वो थोड़ा देर बाद क्लाउड बन जाता है, ऊपर जाने के बाद उसके बाद क्लाउड बनता है, फिर उसके क्लाउड बनने के बाद फिर से रेन। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल, वाटर साइकिल, अंडरस्टूड? यस। नाउ मिस सुरेखा प्लीज मेक अस अंडरस्टैंड, क्लाउड जब भारी हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, रिद्धि सर रेन डॉट पर आउट सर मैम को बात करनी पड़ता। यस एक हर भी में ट्राई कर सकते हो, ठीक है, क्लाउड को कॉटन में डाल दो, कॉटन में पानी सोख लो, ये कॉटन से क्या निकलेगा, पानी, कॉटन भारी होने से क्या होता है, वाटर, वही एक कॉटन घाम लाग्दाखेरि पानी तातिन्छ, पानी तातिन त्यहाँदेखिको तातेर भेपराइज वाटर भेपराइजेसन हुन्छ, अन्तखेरि जब सनले हिट गर्छ रिभरलाई त्यसलाई के भन्छ, वाटर भेपर निक्लिने प्रोसेसलाई के भन्छ, त्यहाँदेखिको फेरि क्लाउड कन्डेन्सेसन हुन्छ, त्यहाँदेखिको के अरे क्लाउड बेसी यो पानीको ड्रपलेट भेपराइजेसन भएर त्यहाँदेखिको यो बेसी भारी भएर चाहिँ पानी पर्छ। रेनफल के भन्छ,
इवेपोरेशन कंडेंसेशन सब क्या था लास्ट पे वाटर वेपर इवेपोरेशन कंडेंसेशन प्रिसिपिटेशन जो रेनफॉल होता है वो है प्रिसिपिटेशन ओके बट योर ड्रॉइंग इज वेरी बैड यस अदितिशा रितिशा वी रेडी रब करो नहीं ड्राइंग को एक्सप्लेन कर दो नहीं 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 ड्राइंग बनाओ अच्छा अच्छा वाला ड्राइंग बनाओ नहीं ना ठीक ना क्यों ना अच्छा फिर देना थोड़ा दे ना ना ड्राइंग बनाए लेकर चुपचाप मेरे खाने को तो पहुंच गए लिसन लिसन लुक एट द बोर्ड केयरफुली हेल्प अब मैं पानी राखे डॉट
डर सर पानी राखे के हुन्छ के हुन्छ यस हेल्प तातो तातो हुन्छ हैन Ritisa, give it to her and listen to it. देखो ध्यान से. Give marker to her. Now look. ध्यान संग ले. ध्यान ले देखो. बोल बोल के करो. Ritisa, look. रिवर है उधर बोर्ड पे सन है डोम्स के लिए हमने सुना चुकी होगी इसको ले आओ रिवर गिर के क्या हुआ रेन गिर के क्या हुआ मैम रिवर बन गया रिवर बन गया फिर क्या हुआ सन के वजह से सन के वजह सन रिवर को लीक देता है और वो क्या हो गया वो फिर वो क्लाउड बन गया क्या क्या क्लाउड बन गया क्या क्लाउड बना हीट के वजह से क्लाउड बन गया वो क्या निकल रहा है रिवर से क्या निकल रहा है ऊपर वाटर वेपर जब ऊपर चला गया तो कूल डाउन होने के बाद में क्या बना क्लाउड और फिर क्लाउड से क्या निकला मैम क्लाउड से रेन निकला तो ये जो वाटर वेपर ऊपर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रोसेस को इवापोरेशन यस और वो जो क्लाउड बना उसको क्या बोलते हैं वाटर वेपर क्या बोलते हैं क्लाउड जिससे बना वो प्रोसेस और क्लाउड जो बना है ना उसको क्या बोलते हैं बोल दो हर्ष कंडेंसेशन और जो बारिश गिरा उसको क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन सात जन ये ड्राइंग बना चुका है फिर भी तुम लोग के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा लक्षण कर सकते हो Sit down. Would you? Would you know this? जानना है तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा ये चीज फिर से पढ़ना है भूल गए तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा YouTube Instagram Facebook में जाके तुम लोगों को वीडियो देखना है और तुम लोगों ने कुछ सीखा इससे तो तुम लोगों को क्या करना है शेयर भी करना है लाइक भी करना है अंडरस्टूड
बट कुछ सीखना भी, अगर सीखा तो तुम लोगों ने कुछ सीखा है तभी शेयर करना है, लाइक करना है, नहीं सीखा है तो छोड़ देना है। यस।